ये अलग है, ये अलग है, इसको कहते हैं तबला बायां, तबला बायां, दाहिना बायां, है ना। या डग्गा भी कहते हैं, बहुत सारे लोग डग्गा, विद्वान लोग डग्गा बोले हैं। अब इसका कहरवा जो है काउंटी में बता रहा हूं, कैसे जो शब्द में बताया है, क्या क्या बताया, धा गे न ती न क धी न, आपके कान में ये चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बज रहा है। ये क्या हुआ, धा धा गे न ती न क धी न, ये हुआ तार कहरवा। ये मेन बोल है कहरवा, इसको हम थोड़ा स्पीड करेंगे सेकंड स्टेप। अब ये क्या हुआ, आजकल के गीतों में टाइप्स हो गया है, कहरवा का अलग टाइप्स बसता है, किस तरह से, ये मेन बोल वो था धागे नाते न कभी, लेकिन वही काउंटिंग में ये चल रहा है। वेस्टर्न की प्ले होता है, देखो साधारण वेस्टर्न, ये भी आठ मात्रा चल रहा है, काउंटिंग क्या है, आठ मात्रा का वेस्टर्न है। आठ मात्रा चल रहा है, सब आठ मात्रा है, समझ में आ रहा है। ये तब थोड़ा सा आगे हमर कहा है, मैं नया हूं, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, है ना, इन कि अनडिसिप्लिन में रहना पड़ेगा हमारे क्या, है ना, डिसिप्लिन रहेगा, बहुत चीज मैं सिखाऊंगा। मैं बोला हूँ सर से कि एक कांगो आ रहा है, खुम्बा वाला थ्री ड्रम, मैं सिखाऊंगा। देखिए शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक एंड संगीत, दो इंडियन में दो प्रकार के संगीत होते हैं, शास्त्रीय संगीत और एक उप शास्त्रीय संगीत। हाँ, उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत बहुत सारे कॉलम टाइप्स ऑफ, जैसे धुरपद, धमा, ठुमरी, टप्पा, गजल, भजन, लोकगीत, ये सब इधर आ जाता है। क्लासिकल म्यूजिक में शास्त्रीय संगीत प्योर, लेकिन सबसे मेन होता है सारे गामा पाधा नी। ये क्या है, ये क्लासिकल का ही सरगम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सरगम, लय, ताल और स्वर, ये तीन चीज के कारण संगीत का बना हुआ। कल कौन सा प्रेयर होगा,